Hi everyone, and my name is Vinita, and I'm a verified educator on Unitedme. And this session is about environment and ecology, some of the latest developments, some of the current affairs. Hum discuss karenge yahan par current affairs for prelims 2019 ke liye current affairs hum yahan par discuss karenge. I hope I'm audible and I'm visible properly. I hope kya aap mujhe sun pa rahe hain sahi se. ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर फाइन. इन केस एनी इशू अगर आप फेस करते हो तो आप मुझे बता सकते हो. वन मोर थिंग दैट आई एम ऑल्सो टेकिंग लाइव क्लासेज ऑन अनअकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल. वहाँ पर अनअकेडमी प्लस कोर्सेज में रजिस्टर करने के लिए यू कैन डाउनलोड द अनअकेडमी लर्निंग ऐप एंड यू कैन वॉच ऑल द कोर्सेज. देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड द अनअकेडमी लर्निंग ऐप टू नो मोर अबाउट इट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन हियर. और यहाँ पर मेरे और भी कई सारे सेशंस जो है अवेलेबल है अनअकेडमी प्लस वेबसाइट सॉरी अनअकेडमी के यूट्यूब चैनल पर. ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकेडमी देर आर लॉट ऑफ सेशंस अवेलेबल ऑलरेडी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के. जैसे कि मैंने बेसिक्स कवर किए हुए हैं, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. एंड देन आई हैव ऑल्सो कवर्ड द IUCN रेड लिस्ट. IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज मैंने कवर किए हुए हैं. ऑल्सो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो सारी चीज़ें भी मैंने कवर की हुई हैं. सो दो सेशंस यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकेडमी. वो सेशंस जो है आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर. और हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी रहेगा वो ये रहेगा, आई विल गिव यू सम MCQ. मैं आपको एक MCQ दूंगी बेस्ड ऑन दैट न्यूज, और आपको पहले वो MCQ ट्राई करना है. बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, तो उस हिसाब से हम कवर करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. इट इज टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट फ्लोटिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड. नेकनामपुर हैदराबाद, रोपड़ पंजाब, एंड चिलिका लेक उड़ीसा, लोकटक लेक मणिपुर. सो टेल मी द राइट आंसर. सो जो लोग डी बता रहे हैं वो मुझे पता है क्यों बता रहे हैं. बिकॉज लोकटक लेक हैज़ द फ्लोटिंग वेजिटेशन. दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या नाम है उसका, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्लोटिंग वेटलैंड. फ्लोटिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट, ये रिसेंटली ये ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है. ये नेकनामपुर लेक के लिए है. इट इज़ फॉर नेकनामपुर लेक. इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद रीजन. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर राइट आंसर आपका है ए वुड बी द करेक्ट आंसर. डी इज नॉट द राइट आंसर. इट इज द नेकनामपुर लेक. नेकनामपुर लेक को इसको ट्रीट करने के लिए, इसके जो यहाँ पर वेस्ट है, सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसको ट्रीट करने के लिए ये वेटलैंड ट्रीटमेंट जो है रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया है. फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड, इट वॉज इनऑग्रेटेड ऑन द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. अब वर्ल्ड वेटलैंड डे कब का होता है, 2 फरवरी का होता है. सो ये 2 फरवरी 2018 में ये इनॉग्रेट किया गया था. इसका मेन पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू क्लीन एंड इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द पॉल्यूशन इन साइड द लेक. नेकनामपुर लेक जो है हैदराबाद में सिचुएटेड है एंड इट इज़ होम टू ए लॉट ऑफ स्पीसीज. कई सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, बर्ड्स, प्लांट्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स. सो वर्ल्ड वेटलैंड डे जब था 2 फरवरी को, तब ये ऑर्गेनाइज किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था.
एंड यहाँ पर इट वॉज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ए फ्लोटिंग आइलैंड इन नेकनामपुर लेक. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2019. आगे आता है अर्थ हेडिंग टुवर्ड्स इररिवर्सिबल हॉट हाउस स्टेट. अर्थ जो है हेड कर रहा है टुवर्ड्स इररिवर्सिबल हॉट हाउस स्टेट. सो सबसे पहली बात तो लेट मी टेल यू हॉट हाउस कंडीशन, इररिवर्सिबल हॉट हाउस कंडीशन में इसका मतलब क्या है. सबसे पहली बात तो इरिवर्सिबल है, इसका मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. हॉट हाउस कंडीशन का मतलब है कि चाहे पेरिस क्लाइमेट, जितने भी लाइक क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उसके अंदर हमारे INDCs है, इंटरनेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है, तो चाहे कितने ही वो सारे गोल्स हम एडॉप्ट कर ले, बट देर विल बी एक स्टेज आएगी जब अर्थ जो होगा इरिवर्सिबल हॉट हाउस कंडीशन में पहुंच जाएगा. इसका मतलब है ग्लोबल टेम्परेचर जो है उस टाइम बढ़ेगा बाई 4 to 5 degrees Celsius. 4 to 5 degrees Celsius जो है वो टेम्परेचर अर्थ का राइज कर जाएगा. ऑल्सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल राइज करेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स में आइस है, स्नो है, वो मेल्ट कर जाएगी. तो सी लेवल जो है वो राइज करेगा बाय 10 to 60 meters हायर देन टुडे. 10 to 60 meters जो है ये सी लेवल बढ़ जाएगा. इवन इफ टारगेट्स अंडर द पेरिस क्लाइमेट डील आर मेट, इवन इफ अगर सारे टारगेट्स हम मीट करते हैं. यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है जो कि आपसे आपको डेफिनेटली याद करना जरूरी है. यहाँ पर डेफिनेशन आती है फीडबैक्स की. नाउ यू टेल मी, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ. नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस, आपने एक नाम सुना होगा नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस. देयर आर बेसिकली 10 नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस. तो कौन कौन सी हैं वो, कैन समबडी टेल मी द नेम ऑफ ऑल द 10 नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस. फीडबैक्स कोई चीज का क्या होता है, फीडबैक्स इट कैन बी, यू नो दैट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ये बेसिकली नेचुरल फीडबैक वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है या तो वो कम हो सकता है या फिर वो एग्रीवेट हो सकता है. दो सिचुएशंस होती है, दो टाइप से फीडबैक होती है, दो टाइप से प्रोसेसेस होती है. या तो जो भी टेम्परेचर राइज कर रहा है इट विल कीप ऑन राइजिंग, उस प्रोसेस की वजह से इट विल कीप ऑन राइजिंग, या फिर उस प्रोसेस की वजह से रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टडी के अकॉर्डिंग देर आर 10 नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज विल ट्रिगर, मतलब ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कम नहीं हो सकता. इन एनी केस ये कम नहीं हो सकता. ओके तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेसेस है, ट्राई टू लिसन टू मी केयरफुली. पहले जो प्रोसेस है वो है स्नो आइस अगर मेल्ट हो जाती है, तो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो जाते हैं, स्नो की जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है. अब आप मुझे बताओ कि स्नो की जो एल्बिडो वैल्यू होती है, आपको पता है स्नो हैज वेरी हाई एल्बिडो वैल्यू. एल्बिडो वैल्यू जो होती है स्नो की वो ज़्यादा होती है. एल्बिडो वैल्यू क्या होती है कि सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है, जितना वाइट सरफेस होगा, जितना वाइट सरफेस होगा उतनी ही एल्बिडो जो है वो ज़्यादा होती है. आपको पता है ब्लैक सरफेस की एल्बिडो क्या होती है, कम होती है, वो ज़्यादा इंसोलेशन करती है, वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. बट आइस क्या करती है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है. आपने हीट बजट पढ़ा होगा ना, कुछ जो सनलाइट होती है वो इंसोलेशन के थ्रू आती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, कुछ होती है जो कि वापस से इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमोसफियर. कई सारी जो होती है जो एटमोसफेयर में ट्रैप रह जाती है जिसकी वजह से हीटिंग होती है. ट्रैप कौन करती है, ग्रीन हाउस गैसेस करती है. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है ट्रैप करती है. आई एम स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, ऑल्सो आई थिंक लैंग्वेज कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पर. अब आगे आता है लैंड वीकन होना और ओशियन कार्बन सिंक्स. बेसिकली क्या होता है कि ओशियन, आपको पता है ओशियन आर ए बिग कार्बन सिंक. हमारे जो एटमोसफेयर में कार्बन प्रेजेंट है उसका 25% जो है ओशियंस एब्जॉर्ब करते हैं. ओशियंस जो है 25% कार्बन जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दे आर लाइक बिग कार्बन सिंक, जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट भी कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं. तो कार्बन सिंक, ये फॉरेस्ट होते हैं, ओशियंस होते हैं, ये सारे कार्बन सिंक का काम करते हैं. जहाँ पर आकर कार्बन जो है सिंक मतलब वहाँ पर आकर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो एटमोसफियर में उसकी वजह से कार्बन कम बचती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस कम होता है. बट अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अभी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं. तो अल्टीमेटली वो जो फॉरेस्ट जो कार्बन एब्जॉर्ब करते थे, अभी वही कार्बन ओशियंस को एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और कार्बन की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इसकी वजह से ओशियंस ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये भी एक रीज़न है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को वो कर सकता है, क्योंकि ओशंस की कैपेसिटी होती है ओनली 25% कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ओके
अब यहाँ पर क्या होता है, आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, ये मैं आपको 10 नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस बता रही हूँ. आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ फीडबैक प्रोसेस. फीडबैक प्रोसेस वो एरिया, वो प्रोसेस होता है, वो मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो राइजिंग क्लाइमेट चेंज है या तो उसको एग्रीवेट किया जा सकता है या फिर उसको रिड्यूस किया जा सकता है. जो चेंजिंग क्लाइमेट है, मतलब चेंजिंग क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है, वो सब या तो उसको और ज़्यादा एग्रीवेट किया जा सकता है या उसको रिड्यूस किया जा सकता है. अब जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सी फ्लोर है, हमारा जो सी फ्लोर है वहाँ पर ए लॉट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स, मीथेन जो है वहाँ पर ट्रैप्ड है, मीथेन जो है वहाँ पर ट्रैप्ड है कई सारे आइस की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में वो ट्रैप्ड है बहुत सारे, क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कोल्ड जब एनवायरनमेंट होता है, जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, तभी वो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और वो इस टाइप से रॉक की फॉर्म में अंदर सी बेड पे ट्रैप्ड है. अगर यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट्स अगर लूज हो जाते हैं, वो आइस मेल्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगी, मीथेन, फ्री मीथेन वहाँ पर अवेलेबल होगी और फ्री मीथेन जो है वो एटमोसफियर में जा सकती है. दिस इज द फिनोमिना ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स. अब यहाँ पर अगर फ्री मीथेन एटमोसफियर में जाती है तो आपको पता है मीथेन इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इवन मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमोसफियर को वार्म करती है. तो जिसकी वजह से ये भी एक नेचुरल फीडबैक प्रोसेस है, जिसकी वजह से चाहे पेरिस क्लाइमेट के अगर एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट की जो डील्स है वो हर एक कंट्री अगर एडॉप्ट भी करती है, गोल मीटअप भी करती है, इवन देन जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा, इवन देन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगा, इवन देन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगा. अब यहाँ पर आता है इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेस्पिरेशन इन द ओशियंस. अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, देखो ये जो मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं दीज आर फाउंड ऑन द सी बेड, सी फ्लोर के ऊपर पाए जाते हैं, और जनरली क्या होता है वहाँ पर बैक्टीरियाज कहाँ पर काम करते हैं, बैक्टीरियाज तो वहाँ पर काम करेंगे ना जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा. अब डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पर होता है, देखो ओशियन का आपने जोन पढ़ा होगा ना, ओशियन में कई सारे जोन्स होते हैं, जो ऊपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर कई सारे जैसे फोटोसिंथेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो पाए जाते हैं, कई सारे जोन्स होते हैं, नीचे बेंथिक जोन होता है जहाँ पर बेंथिक स्पीसीज जो है वो पाए जाते हैं, नीचे जो सरफेस वाला जोन होता है, यहाँ पर वेरी लेस नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड, रीजन बींग डीपर इन टू द ओशियन ना तो सनलाइट पहुँचती है और ना ही यहाँ पर वो स्पीसीज वगैरह होते हैं ताकि दूसरे स्पीसीज सर्वाइव कर सके, दिस इज द थिंग. तो बेसिकली ये मिड ओशियन तक सारे जो स्पीसीज हैं, फिशीज हैं, वो सब पाए जाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं थोड़े से अपर रीचेज में पाए जाते हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसीलिए वो अपर रीचेज में पाए जाते हैं ओशियंस के, ठीक है, अपर रीचेज में पाए जाते हैं. अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन है, अब बैक्टीरियाज ऊपर वाले उसमें होते हैं, ऊपर वाले फेजेस में होते हैं, नीचे वाले फेजेस में, नीचे वाले उसमें नहीं पाए जाते. तो जितना बैक्टीरियल रेस्पिरेशन बढ़ेगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, उतना ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ती है उतना ही यहाँ पर. तो उसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पर राइज होता है. बेसिकली इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मिथेन हाइड्रेट, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मिथेन हाइड्रेट, क्योंकि उसको सर्टेन कंडीशंस चाहिए होती है मिथेन हाइड्रेट को, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास होने चाहिए तभी वो रॉक की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वो वहाँ पर ट्रैप रह पाएगी, और अगर वो ट्रैप नहीं रहेगी तो वो एलिमेंटल मिथेन जो होगी इट के एमिट टू द एटमोसफियर, वो एटमोसफियर में आ सकती है, और जिसकी वजह से इट इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस और ये फर्दर एटमोसफियर को वार्म कर सकती है. आगे एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है बोरियल फॉरेस्ट डाईबैक. अब डाईबैक क्या होता है, डाईबैक ये जो फोटो आप देख रहे हो दिस इज नोन एज द फॉरेस्ट डाईबैक. कैन समबडी टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डाईबैक, डाईबैक क्या होता है. व्हाट इज डाईबैक, यस यस आयना शर्मा हैज गिवन द राइट आंसर.
ट्री जो है ऊपर से मतलब ऊपर पहले उसके लीव्स जो है डाई करना शुरू कर देते हैं, ऊपर से रूट्स तक वो ट्री जो है वो मर जाता है. इसको बोलते हैं डाई बैक फिनोमिना. अब ये कई सारे उसमें होते हैं, कई सारे फॉरेस्ट क्या होते हैं वॉलेंट्री डाई बैक भी कर जाते हैं इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. हार्श एनवायरमेंट कंडीशन से बचने के लिए कई बार फॉरेस्ट वॉलेंट्री भी डाई बैक कर जाते हैं. अब ये बोरियल फॉरेस्ट कौन से होते हैं इनको बोला जाता है. आपको पता है बोरियल एटमोसफियर कौन सा होता है, टेगा वाला जो रीजन होता है जो कि पोलार से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है. आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम तो पता है ना, जोन्स जो हम डिवाइड करते हैं बायोजोग्राफिक जोन्स, कई सारे जोन्स होते हैं ऊपर जैसे टूंड्रा होता है पाइन टूंड्रा आर्कटिक टूंड्रा, नीचे टेगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं टेगा एरिया है. तो वहाँ पर बोरियल फॉरेस्ट अगर डाई बैक कर जाते हैं तो बोरियल फॉरेस्ट आर ए बिग कार्बन सिंक, ये बिग कार्बन सिंक का काम करते हैं. बट ड्यू टू हार्श एटमोसफियर ड्यू टू द राइजिंग टेम्परेचर ये डाई बैक कर जाते हैं और जिसके वजह से अल्टीमेटली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मोर वार्मिंग अप ऑफ द टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वार्म अप होते हैं क्योंकि ये लोग जो कार्बन ये जो फॉरेस्ट कार्बन कंज्यूम कर रहे थे वो अब कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. सिमिलर विद द अमेजन रेन फॉरेस्ट डाई बैक एंड सिमिलर विद द स्नो कवर, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है स्नो जो है वो मेल्ट हो रही है. जैसे जैसे स्नो मेल्ट हो रही है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आइस की एल्बिडो जो होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करती है कर सकती है सनलाइट को. ठीक है, तो अगर स्नो कवर रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली ज़्यादा वो सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइजिंग ग्रीन हाउस गैस राइजिंग टेम्परेचर. तो ये थी नेचुरल फीडबैक प्रोसेसेस. फीडबैक प्रोसेसेस का मतलब होता है कि आइदर इट कैन इंक्रीज द क्लाइमेट चेंज राइजिंग टेम्परेचर को और ज़्यादा एग्रेवेट कर सकती है या फिर ये रिड्यूस कर सकती है. बट ये जो सारी प्रोसेसेस हैं दिस कैन ओनली इंक्रीज द टेम्परेचर एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्दर ग्रीन हाउस गैस एमिशन फर्दर राइजिंग अप ऑफ द टेम्परेचर. उसके बाद आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. द गवर्नमेंट रिसेंटली हैज अप्रूव्ड द इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1033 करोड़ फॉर सेटिंग अप ए कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, फेयर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट. इट इज लोकेटेड इन थालचर फर्टिलाइजर वेयर इट इज सिचुएटेड. मतलब मैंने एक क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे दिया इसका, झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा आसाम. यस, उड़ीसा वुड बी द राइट आंसर. सो रिसेंटली ये कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट जो है सेटअप किया गया उड़ीसा के अंदर. इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. दिस वॉज आस्क्ड इन 2014 प्रीलिम्स. वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में नीम कोटेड यूरिया का यूज क्यों किया जाता है? रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, वट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है एंड वट आर द बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन से बैक्टीरियाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? आगे आता है, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इन टू एटमोसफियर बाई क्रॉप फील्ड्स. It is a combination of a weedicide and a fertilizer for a particular crops. So what is the right answer of this question? नीम कोटेड यूरिया का यूज क्यों प्रमोट किया जाता है? आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जो इंडिजीनियस प्रोड्यूसर है दे कैन प्रोड्यूस अप टू 100% नीम कोटेड यूरिया. 100% नीम कोटेड यूरिया जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है, क्यों उसका यूज प्रमोट किया जाता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
यस, बी इज द राइट आंसर. बी जो है, बी राइट आंसर है. नीम कोटिंग की वजह से जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है यूरिया का इन द सोइल, वो रिड्यूस हो जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है बेसिकली, रेट ऑफ डिसोल्यूशन. अब मैं आपको बताती हूँ कि नीम कोटेड यूरिया होता क्या है. पहले तो ये न्यूज हम पढ़ लेते हैं, ये न्यूज एक्चुअल में है क्या. सो इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट जो है तालचर उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा और ये 2022 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड. और इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, ये नीम कोटेड यूरिया को प्रोड्यूस करेगा यूजिंग कोल एंड पेट कोक. कोल एंड पेट कोक कोल गैसिफिकेशन के थ्रू नीम कोटेड यूरिया, इसकी कैपेसिटी होगी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.27 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम नीम कोटेड यूरिया. अब यहाँ पर मैं बताती हूँ नीम कोटेड यूरिया के बारे में, एंड दिस इज ए हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, वैसे तो पहले भी आ चुका है. एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना कि करंट पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है टू ऑल द इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया टू प्रोड्यूस 100% ऑफ यूरिया इज नीम कोटेड यूरिया ओनली. यहाँ पर आपको पता है यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है यूरिया के अंदर. बट आपको पता, आपको नाइट्रोजन साइकिल का पता है ना कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, पहले नाइट्रोजन जो होती है एलिमेंटल फॉर्म में होती है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन अबंडेंट अवेलेबल है आपको पता है. बट कई सारे प्लांट्स क्या होते हैं वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से उसका पहले फिक्सेशन किया जाता है. नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस. अमोनियम आयंस में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, अमोनियम आयंस में इसको कन्वर्ट किया जाता है. आप मुझे बताओगे बैक्टीरियाज कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरियाज विच ऑफ द बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है. अब कई सारे प्लांट्स तो क्या होते हैं, ये अमोनियम आयंस को डायरेक्टली ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, बट कई सारे प्लांट्स इसको नहीं ले पाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, इसका नाइट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद होता है इसका नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, पहले नाइट्रोजन, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट. लेट मी जस्ट शो यू, दिस अमोनिया, अमोनियम आयंस NH3 आयंस जो है दिस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट, एंड देन दोज आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, एंड देन इट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स. उसके बाद प्लांट इसको ले पाते हैं. उसके बाद अब आप मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका कमेंट में क्वेश्चन बताना, यहाँ पर कौन से बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज के भी और जो किसी के साथ पाए जाते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाए जाते हैं. इसके बाद यहाँ पर कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, विच बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल हियर. सो यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज, कौन से नाइट्रिफिकेशन के लिए होते हैं, कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होते हैं, ठीक है. उसके बाद एक और प्रोसेस होता है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जिसके बाद नाइट्रोजन इज रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर और हमारा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल. अब आप मुझे बताना डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यूरिया के बारे में. यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल होती है. यूरिया जब हम यूज करते हैं तभी प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाती है, ठीक है, सोइल के थ्रू जो नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं. तो उसमें पहले इसका हाइड्रोलाइसिस होता है. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है इट इज ब्रोकन बाई वॉटर. वॉटर के द्वारा इसको ब्रेक किया जाता है इंटू अमोनियम आयंस, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयंस में इसको ब्रेक किया जाता है. उसके बाद इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. मैंने आपको बता दिया नाइट्रिफिकेशन होता क्या है और क्यों होता है, क्योंकि जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो कई सारे प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, एयर, यहाँ पर नाइट्रेट एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन सबको ही ले लेते हैं, सारे प्लांट्स जो है ले लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो नेसेसरी होती है. अब जो नॉर्मल जो यूरिया होता है, जब हम नॉर्मल यूरिया यूज करते हैं विदाउट नीम कोटिंग, तो उसमें क्या होता है, ये नाइट्रिफिकेशन काफी फास्ट होता है. नाइट्रिफिकेशन फास्ट होता है, टू रैपिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब स्लोली स्लोली पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रेजुअली उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं, क्योंकि सारा कुछ प्रोसेस होता है, सारा कुछ प्रोसेस पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद धीरे धीरे नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जिसकी वजह से सारी नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. कुछ सारी नाइट्रोजन जो होती थी वो एटमॉस्फेयर में चली जाती थी या फिर अंडरग्राउंड वाटर में रह जाती थी या फिर सोयल में मिल जाती थी.
अगर नाइट्रोजन सोयल में मिली रह जाती है, नाइट्रोजन सोयल में मिल जाती है, अंडरग्राउंड वाटर में रह जाती है, तब एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं, इसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है यूट्रोफिकेशन। इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स फर्टिलाइजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस प्लस नाइट्रोजन। ओके, सो आपको समझ आ रहा है ना जो मैं बता रही हूं अभी? ओके, तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन, अगर यूरिया, नॉर्मल यूरिया जब हम यूज करते हैं तो ये नाइट्रिफिकेशन काफी रैपिड होता है, इट इज वे टू फास्ट। और इतना फास्ट होता है कि जितनी नाइट्रोजन बनती है, जितनी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, उतनी प्लांट्स यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से सम ऑफ द नाइट्रोजन इज इनटू द सोइल, रिमेन्स इनटू द सोइल, जिसके वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की लीचिंग होती है। लीचिंग होता है तो क्या होता है, रन ऑफ के थ्रू वो किसी एक लेक में जाती है और वहां पर यूट्रोफिकेशन करती है। आपने सुना होगा ना यूट्रोफिकेशन का, तो नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हर एक एल्गी को जरूरी होता है, तो वहां पर एल्गल ब्लूम हो जाता है, एल्गीज की ग्रोथ वहां पर ज्यादा हो जाती है। आपने लेक्स देखी होगी जो कि कवर्ड रहती है, ग्रीन सरफेस होता है, ग्रीन सरफेस वो एल्गीज होती है, ठीक है, वो एल्गीज होती है। अगर उनकी नॉर्मल पॉपुलेशन है देन दोज आर नॉट हार्मफुल, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तब वो हार्मफुल नहीं होते हैं, बट उनकी जब पॉपुलेशन और ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, उसको बोला जाता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ठीक है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम उसको बोला जाता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, वो हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। इनफैक्ट उसको कहीं कहीं पर यूज किया जाता है और कहीं कहीं पर उसको एज ए एडिबल भी यूज किया जाता है, तो वो हार्मफुल नहीं होती है। मेनली यहाँ पर जब बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर या कोई भी एक्वाटिक बॉडी है, छोटी बॉडी है, एक्वाटिक बॉडी है, तो उसके अंदर यूट्रोफिकेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ओके, वो इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू हार्मफुल एल्गल ब्लूम। अब यहाँ पर एक टर्म आती है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है कि यूरिया में से कितनी नाइट्रोजन प्लांट्स ले पाते हैं, द प्लांट्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लांट्स आर एबल टू रिकवर फ्रॉम यूरिया, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ये होती है 30-50%, नॉर्मल यूरिया में 30-50% होती है, इसीलिए यूरिया को कोट किया जाता है नीम ऑयल के साथ, नीम ऑयल कोटिंग की जाती है यूरिया की। नीम ऑयल कोटिंग की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोसेस जो कि फास्ट होती है नाइट्रिफिकेशन की वो स्लो हो जाती है, वो जो प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन की वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग नहीं होती है नाइट्रोजन की, लीचिंग भी नहीं होती है और ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल रहती है प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ऑप्शन देती कि नीम कोटेड यूरिया कैन इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स, अगर वो ऑप्शन देती तो दैट वुड बी आल्सो करेक्ट, वो भी सही होता, क्योंकि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी क्योंकि मोर नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट, ज्यादा नाइट्रोजन जो है अभी अवेलेबल है। अब इसका एक और हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, अगर हम नीम कोटेड यूरिया यूज नहीं करते हैं तो वो जो नाइट्रोजन होती है वो रन ऑफ के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में जाती है, अंडरग्राउंड वाटर को आगे जाकर जो प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो ड्रिंकिंग वाटर के टर्म्स में हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटामिनेट कर सकती थी और उसके वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम का भी एक रीजन होता है ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से ये सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर नीम कोटेड यूरिया का हम यूज करते हैं तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये भी रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि उस टाइम पर फिर नाइट्रोजन की लीचिंग नहीं होगी। ओके, इज दैट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द नीम कोटेड यूरिया। ओके, तो ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नीम कोटेड यूरिया को ही क्यों प्रेफर किया जाता है,
क्योंकि अगर हम नीम कोटेड यूरिया यूज नहीं करते हैं तो कई सारे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि स्लो करते हैं नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को, और वो केमिकल एजेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड फार्मर्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई नीम कोटेड यूरिया इज़ यूज एज ए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का मतलब होता है टू स्लो डाउन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। यस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका रहेगा नाइट्रेट्स। रिसेंटली द ब्लू बेबी सिंड्रोम हैज बीन मेकिंग न्यूज एज एन एनवायरमेंटली कॉज्ड चिल्ड्रंस हेल्थ इश्यू। इन दिस डिजीज क्या होता है, द इन्फेंट का जो ब्लड होता है इट इज नॉट एबल टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज। अब मतलब ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन लेकर जाती है तो वो नहीं कैरी कर पाती है, तो ये कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा न्यूट्रिएंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो द राइट आंसर इज नाइट्रेट। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाइट्रेट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये है बावला प्रोजेक्ट एट भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है, उड़ीसा ने किया है। किसके लिए किया है, क्रोकोडाइल्स को कंजर्व करने के लिए। ये जो टर्म है बावला टर्म, ये एक उड़िया टर्म है, उड़िया टर्म है जो कि डिनोट करती है क्रोकोडाइल्स को। वहां पर क्रोकोडाइल्स को यही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रोकोडाइल्स के लिए प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ये लॉन्च किया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये बावला प्रोजेक्ट याद रखना, इट इज रिलेटेड टू उड़ीसा। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल बिगिन हुआ था 1975 में एंड इट वॉज बिगिन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज, यस, लेस ब्लड हैंस ब्लू, यस, गॉट इट, ओके, यस, आइए ना। उसके बाद क्या है आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, यू टेल मी व्हाट दिस कमीशन इज ऑल अबाउट। ये किससे रिलेटेड है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है एंड ये क्या काम करता है, क्या काम करता है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके, किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन से इट वर्क। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। रिसेंटली ये न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के से रिलेटेड। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी एक, सॉरी नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज की थी कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं उसमें अगर 5% से ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट है तो उसके ऊपर लेबल लगाना पड़ेगा। लेबल जो है, इट शुड बी लेबल्ड। बट कई सारी फूड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कई सारी फूड कंपनी जो होती हैं, वो इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज में था। अब मुझे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में बताओगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यस। आगे आता है नागबना बर्ड सेंचुरी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली क्या हुआ है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फर्स्ट रीजनल सेंटर यहाँ पर सेटअप हो रहा है चिलिका लेक के पास। चिलिका लेक में आपको पता है ये नागबना आइलैंड है, नागबना आइलैंड, नागबना आइलैंड है। इस आइलैंड को बर्ड सेंचुरी क्यों डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इस आइलैंड के बारे में स्पेसिफिक चीज ये है कि डिसअपियर्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। जब मॉनसून का सीजन आता है तो ये डिसअपियर हो जाता है एंड पोस्ट मॉनसून सीजन में ये रीअपियर होता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में ये डिसअपियर हो जाता है और जैसे ही पोस्ट मॉनसून सीजन आता है, विंटर का सीजन आता है, उस टाइम पर ये रीअपियर होता है। ये नागबना आइलैंड है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ चिलिका लेक। चिलिका लेक का जो कोर पार्ट है, कोर एरिया है, वहां पर ये सिचुएटेड है और यहाँ पर कई सारे बर्ड माइग्रेट करते हैं, इसीलिए इसको नागबना बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इट इज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बारे में पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इट इज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था,
क्योंकि फर्स्ट रीजनल सेंटर या फिर कह लो बर्ड ऑब्जर्वेटरी सेंटर यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। बर्ड ऑब्जर्वेटरी सेंटर जिसका काम क्या होगा, वो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं उसका सैंपल कलेक्ट करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना रिलेटेड टू बर्ड सेंसस कैसे कंडक्ट किया जाता है। ऑल्सो एक माइग्रेटरी बर्ड्स के बुक्स जो है ये पब्लिश करेगा, माइग्रेटरी बर्ड्स की बुक जो है पब्लिश करेगा, कई सारी जो बर्ड रिलेटेड डिजीज होती है वो एग्जामिन करेगा। ऑल्सो कितने बर्ड्स वहाँ पर माइग्रेट करते हैं ये काउंटिंग जो है इसके अंदर। ब्रैकिश वाटर है, नॉट ए फ्रेश वाटर। आपको पता है लगून कैसे फॉर्म होती है, बीच में एक बैरियर आ जाता है, बीच में बैरियर आ जाता है। मान लो यहाँ पर ओशन का वाटर है, मान लो ये जो वाटर है इधर ओशन का है, बट यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर ये जो लेक है, लेक सेपरेट हो गई, सेपरेट एरिया हो गया, जहाँ पर पानी किसका है, जहाँ पर वाटर जो है ओशन का ही। तो ये ब्रैकिश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर पाया जाता है इसमें, ओशन का ही वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर लगून है, सोल्टी वाटर भी बोल सकते हो, एंड इट इज एशियाज लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लगून एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाई ए सैंडी रिज। लगून जो होती है वो किसी ओशन से या बड़ी वाटर बॉडी से सेपरेट होती है वाया ए रीफ, रीफ के थ्रू या फिर रिज के थ्रू वो सेपरेट होती है, छोटी लेक होती है और वो ओशन से सेपरेट होती है, ब्रैकिश वाटर होती है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर होती है। सो नेक्स्ट कम्स द BNHS के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इट इज द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट NGO है जो कि काम किस लिए करती है, कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च से रिलेटेड इंगेज रहती है, रिसर्च से रिलेटेड काम करती है। 1883 में इट वॉज सेटअप। ये न्यूज में इसीलिए थी बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट रीजनल सेंटर विच इज गोइंग टू बी लोकेटेड एट चिलिका लेक, चिलिका लेक में जो नालबना बर्ड सेंचुरी है वहां पर। आगे आती है रेड सेंडर्स एक्सपोर्ट नाउ प्रोहिबिटेड। रेड सेंडर्स, आप मुझे बताओ रेड सेंडर्स कहाँ पाए जाते हैं। सो बेसिकली इट्स रिटन देयर, इट दिस आर फाउंड इन सेशाचालम हिल्स ओनली। जो सेशाचालम हिल रेंज है आंध्र प्रदेश में वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके बारे में स्पेसिफिक फीचर क्या है, एक तो ये वुड है, मतलब रेड सेंडर्स वुड है, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसका एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट दोनों बैन है, दोनों ही प्रोहिबिटेड है। अर्लियर इसका इम्पोर्ट जो था वो फ्री था, मतलब फ्रीली इसको इम्पोर्ट कर सकते थे, बट अभी ये प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड कैटेगरी में है। मेनली ये पाई जाती है, एक तो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इसका जो रिच रेड कलर होता है इसकी वजह से ये फेमस होती है, इसकी वजह से ये फेमस होती है। बाकी वुड इज नॉट एरोमेटिक एट ऑल, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है, जाती है, और इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही बैंड है। आगे आता है एक टर्म है, दिस इज ए टर्म कॉल्ड कार्बन पूल्स। कार्बन पूल्स क्या होते हैं, पूल करना कोई चीज का क्या होता है, उसको स्टोर करना, ठीक है, मतलब इज ए सिस्टम दैट हैज द कैपेसिटी टू स्टोर और रिलीज कार्बन, जिसकी कैपेसिटी होती है टू स्टोर और रिलीज कार्बन। बेसिकली माराकेश एकॉर्ड है। आप एक मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना रिलेटेड टू प्रीलिम्स 2019, माराकेश ट्रीटी क्या है, व्हाट इज द माराकेश ट्रीटी, किससे रिलेटेड है, और माराकेश एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, माराकेश ट्रीटी प्लस माराकेश एग्रीमेंट, ये दो क्वेश्चन मुझे बताना क्या क्या है। जस्ट टेल मी द रीजन कि ये किससे रिलेटेड है, माराकेश ट्रीटी और माराकेश एग्रीमेंट। ये माराकेश एकॉर्ड जो है इसमें पांच मेन कार्बन पूल रीजन जो है, कार्बन पूल रिजर्वोयर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, पांच में। पहला है अबव ग्राउंड जो बायोमास होता है, और बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड जो बायोमास होता है, डेड वुड जो होती है, उसके बाद लिटर होता है, और उसके बाद सोयल ऑर्गेनिक मैटर होता है। जस्ट रिमेंबर दिस टर्म, कार्बन पूल होता है क्या, कार्बन पूल, एंड इट हैज बीन डिफाइंड अंडर माराकेश एकॉर्ड, माराकेश एकॉर्ड के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है, कार्बन पूल दैट हैज द कैपेसिटी टू स्टोर और रिलीज कार्बन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग परिवेश स्कीम आर ट्रू। परिवेश स्कीम के बारे में क्या क्या ट्रू है, इट इंक्लूड्स ए सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल साइन इन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेज। क्लियरेंसेज कौन से, एनवायरमेंटल रिलेटेड क्लियरेंसेज, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेज एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेज, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, इट ऑफर्स ए फ्रेमवर्क टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ई गवर्नेंस, मतलब ई गवर्नेंस मीन्स डिजिटल इंडिया, ठीक है। इट एनेबल्स प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स सिटीजन्स टू व्यू ट्रैक एंड इंटरेक्ट विद स्क्रूटिनी ऑफिसर्स,
generates online clearance letters, online mailers and alerts to state functionaries in case of delays beyond stipulated time for processing of applications. तो ये प्रीवियस स्कीम है, रिसेंटली ये न्यूज में थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मच मच एक्सपेक्टेड है. और मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. हाँ, ट्रीटी जो है हमारा केस ट्रीटी, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है. यस, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ये जो प्रीवियस स्कीम है, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए पहले क्लियरेंसेज लेने पड़ते हैं एनवायरमेंटल. इसमें कई सारी प्रोसेसेज होती हैं, कई सारी प्रोसेसेज होती है. गवर्न किससे होता है, वैसे तो 1986 में एक्ट आया था, उसके बाद इसको 2006 में अमेंड भी किया गया था. तो मैं इसको बताती हूँ. ओके, सो परिवेश का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब. सिंगल विंडो का मतलब है एक ही जगह पर ऑनलाइन सारे क्लियरेंसेस वगैरह होंगे, जो सिटीजन्स हैं वो अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इवन जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके उनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, वो भी वो ट्रैक कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का ये देखा जाता है कि वो एनवायरमेंटली कितना सस्टेनेबल है, उसके बाद ही उसको अप्रूव मिलता है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है. ठीक है, तो इसकी एक लंबी लंबी सारी जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूड रहती है. पहले क्या होता था, ये सारा पेपर फॉर्म में होता था, तो अगेन वहीं पर रेड टेपिज्म एंड करप्शन के कई सारे चांसेस होते थे. तो यहाँ पर बेसिकली एक तो सबसे पहली बात है कि इजी गोइंग हो जाएगा, जैसे कि सिंगल विंडो होगा, ऑनलाइन है सारा कुछ, मोबाइल एप्स के थ्रू किया जा सकता है. ठीक है, डिजिटाइज है सारा, तो इसमें वो वाला सीन नहीं रहेगा कि डिले हो रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में. एक वेल स्टिपुलेटेड टाइम में क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगा. क्लियरेंस भी कई टाइप से मिलता है, जैसे कई बार मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, कि हो सकता है उसकी वजह से कुछ एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा हो, तो उसकी वजह से कई सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते थे. तो अब यहाँ पर वर्चुअल का मतलब होता है सब कुछ वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटाइज होगा. ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस ये ऑनलाइन सबमिशन होगा, पहले प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, उसके बाद उसका मॉनिटरिंग होगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा. वहाँ पर ज्योग्राफ जो इमेजेस है वो अपने भेज सकते हैं, साइट के इमेजेस जहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप किया जाना है. ठीक है, तो ऑनलाइन सबमिशन होगा न्यू प्रपोजल का. एडिटिंग और अपडेटिंग द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स कोई भी कर सकता है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बेसिकली करते हैं इसमें. एंड डिस्प्ले स्टेटस ऑफ द प्रपोजल्स एट ईच स्टेज ऑफ द वर्क फ्लो. ईच स्टेज का मतलब है ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, जैसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उसको एक स्टीयरिंग कमेटी उसको देखती है, जज करती है कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस की जरूरत है. इसमें एक प्रोसेस ये भी होता है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ से कंसल्ट भी किया जाता है कि लोकल कम्युनिटी के किस जिस टाइप का प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर सेटअप किया जाता है तो क्या वो हार्मफुल होगा या नहीं होगा. तो लोकल कम्युनिटीज को बोलते हैं पब्लिक हियरिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है उस एरिया के बारे में. नॉट ओनली लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ के एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है. तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में. 1978 में ये एक्ट जो है पास किया गया था, 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इससे पहले क्या होता था, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस किया जा सकता हो. तो ये 1978 में आया था,
उसके बाद एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट 1994 इसके अंदर ये इफेक्ट में आया था एंड इट कम्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, इसमें कई सारी कैटेगरीज हैं प्रोजेक्ट्स की जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब करता कौन है EIA? जो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट होते हैं या फिर कई सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हो गई, इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल एनजीओज हो गई, वो इसे कैरी आउट करती है। अब यहाँ पर दो टाइप से इश्यूज होते हैं, रिपोर्टिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पब्लिक हियरिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। रिपोर्टिंग इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं कि जैसे जो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, मेनली क्या कौन रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है आफ्टर स्क्रीनिंग, हो सकता है उसमें कुछ लूप होल्स हो। तो ये सारे जो इश्यूज थे इस टाइम पर राइज होते थे, बट अभी ये ऐप एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा तो हो सकता है इससे करप्शन, हो सकता है इससे डिले जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि परिवेश हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट, हाउ इट इज गोइंग टू एनहांस द प्रोसेस, क्योंकि जैसे GST का क्वेश्चन आता है ऐसे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पब्लिक हियरिंग में भी कई सारे इश्यूज रेज होते हैं कि जैसे कि हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता ना हो, या फिर वो एडामेंट हो, एडामेंट मतलब एक साइड ही प्रिजुडाइज हो किसी चीज़ के लिए कि ये सब प्रोजेक्ट नहीं करना, या फिर वो एकदम सडन इम्पल्सिव हो के क्लियरेंस दे दे, ये भी इशू होता है। हो सकता है वो इलिटरेट हो, उसको समझ में ना आए, और हो सकता है लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर कोई कम्युनिकेट करने के लिए ना हो। तो कई सारे इश्यूज होते हैं पब्लिक हियरिंग से रिलेटेड भी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर क्या होता है पब्लिक हियरिंग का। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही नोटिस इशू करता है रिलेटेड टू द पब्लिक हियरिंग। उसके बाद वहाँ के जो कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, उनसे बात की जाती है, उनसे उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, उनके आइडियाज लिए जाते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होती है पब्लिक हियरिंग पैनल की। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या फिर अपने लिए वो कोई किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड सब्जेक्ट को डील कर रहे होते हैं, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डीलिंग विद एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो लोकल बॉडीज के पीपल होते हैं, लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट ओनली 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर। 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक हियरिंग पैनल में। ठीक है, अब इसके 4 स्टेजेस हैं। बेसिकली इसको अमेंड किया गया था 2006 में और इसमें 4 स्टेजेस एस्टेब्लिश किए गए हैं। पहले स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में क्या होता है प्रोजेक्ट की जो साइट होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद स्कोपिंग, अगर वो एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल है तो कितने मॉडिफिकेशन के स्कोप उसके अंदर है, मॉडिफिकेशन से अगर प्रोजेक्ट को लॉन्च करें तो कितना फिजिबल है वो। ठीक है, उसके बाद उसका पब्लिक हियरिंग होता है और उसके बाद फाइनली अप्रूवल देना या नहीं देना डिसीजन मेकिंग होती है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इसके सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है कि इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। लैक ऑफ क्लैरिटी क्यों है, इसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि ए कैटेगरी प्रोजेक्ट होगा उसको फर्दर आइडेंटिफाई किया जाएगा B1 और B2 में, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट जो है जिनके लिए क्लियरेंस नहीं चाहिएगा और कुछ प्रोजेक्ट जो है जिनके लिए क्लियरेंस चाहिएगा। ठीक है, जिसके लिए क्लियरेंस चाहिएगा। ओके, उसके बाद ये नहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जस्ट नाम याद रखना। पहला नाम ये है कि दिस पार्क इज लोकेटेड ऑन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, तो आपसे पूछ सकते हैं अरावली फुटहिल्स में लोकेटेड है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी, आप मुझे बताना व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली एंड कहां पर लोकेटेड है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है अरावली की हाईएस्ट पीक। अरावली से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे आता है नीला कुरिंजी प्लांट। ये जो प्लांट है इसके प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। किसने किए हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि ये तमिलनाडु में पाया जाता है। मेनली इट इज फाउंड इन शोला ग्रासलैंड, शोला फॉरेस्ट वाले रीजन में ये मिलता है, वेस्टर्न घाट्स के जो शोला फॉरेस्ट है वहां पर। कौन कौन से एरिया में, केरला कर्नाटक और तमिलनाडु में शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बट ये जो प्लांट है ये पर्टिकुलरली पाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एंडेमिक है ये। ठीक है,
इसकी सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट ब्लॉसम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार ही ये खिलता है। ये जो प्लांट है, ये फ्लावर है, ये 12 साल में एक बार ही खिलता है। दिस इज समथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस फ्लावर। यहाँ पर एक ट्राइब है जिसका नाम है पलियान ट्राइब। ये पलियान ट्राइब पीपल, वहाँ के लोग जो है इस फ्लावर के को के रेफरेंस से अपनी एज जो है कैलकुलेट करते थे। और ये ट्राइब बिलोंग कहाँ से करती है? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ओके, सो आगे जो फर्दर करंट अफेयर्स है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बताना ये जो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स है इसका क्या काम है? व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स? ये रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है, तो मुझे बताना आप। और इसके बाद बताना ब्लैक कार्बन के बारे में, ब्लैक कार्बन कैसे प्रोड्यूस होती है, ब्लैक कार्बन कैसे एमिट होती है। So this is all about it and we will continue the next session later. और आगे हम current affairs उसमें continue करेंगे next session में, and you can watch the previous sessions as well जिसमें मैंने basics cover किए हुए हैं, also IUCN red list cover की हुई है और national parks, biosphere reserve, wildlife cover की हुई है, so you can watch those sessions as well. So thanks a lot, thank you so much.